Hey guys, welcome back. Another day in Paris. So last vlog में मैंने शाटले half cover किया था. Last यहाँ तक मैंने cover किया था ये चर्च से, फिर मैंने end किया था. तो आज मैं वापस आया हूँ. तो ये जो शाटले है अभी मैं यहाँ से वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो इसको कवर करने के लिए. तो पहले मैं सबसे पहले इस वाले चर्च में पीछे जाऊँगा. दूसरा, हर जगह इन्होंने यहाँ पे कोविड के टेस्ट सेंटर्स बना रखे हैं और फ्री में टेस्ट ये लोग कर रहे हैं. इनडोर्स यहाँ पे अभी भी मास्क कंपलसरी हैं, आउटडोर में आप बिना मास्क के रह सकते हैं. और दूसरा एक चीज़ और कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने के लिए जा रहे हैं, इनडोर अगर सिटिंग है तो आपको कोविड की रिपोर्ट्स नहीं बल्कि कोवैक्सीन की रिपोर्ट्स आपको दिखानी पड़ेंगी. आप डबल वैक्सीनेटेड हो तभी आपको अंदर इनसाइड सिटिंग में वो अलाउ करेंगे. तो अभी ये जो चर्च है मेरे पीछे बहुत बड़ा था, अभी इसमें चल के देखते हैं. तो अभी एंट्रेंस पे तो मास्क पहनना पड़ेगा. मेरे को थोड़ा धीरे यहाँ पे बोलना पड़ेगा क्योंकि चर्च है. चर्च के अंदर ही घूम रहा हूँ. काफ़ी बड़ा और ब्यूटीफुल चर्च है तो मैं अभी ज़्यादा तेज बोल नहीं सकता. यूजुअली लोग यहाँ पे बैठते हैं प्रे करने के लिए एंड यहाँ पे यूजुअली लोग अपने शांति से बैठ के अपने प्रे करते हैं. खाली पड़ा है पीछे तो कोई है नहीं इसमें. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter. It doesn't really matter. So अभी वॉक करते करते मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे. और शाटले का जो ये एरिया है बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है और मैं सजेस्ट करूँगा कि सबको, अगर कोई भी इंसान अगर पेरिस घूमने के लिए आया तो शाटले सबसे मस्ट विजिट प्लेस है. और मतलब सारे के सारे जो यहाँ के फेमस म्यूजियम्स वगैरह हैं वो भी सब चर्चिज़ हैं, वो भी इस इलाके में ही पड़ते हैं. बहुत सारे कैफेज़ हैं और रिवर साइड है, रिवर साइड की साइड में वॉक कर सकते हो आप. और मेरे ठीक पीछे जो नोटर डैम कैथीड्रल है, चर्च है जहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, अभी बंद कर रखा है लेकिन मैं अभी जाऊंगा वॉक करके वहाँ तक. तो कहीं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है तो उन्होंने बंद कर रखा है, एंट्री अलाउड नहीं है. पहले अंदर तक जाते थे लोग. बाकी लेट्स सी, अभी तो इवनिंग हो रखी है यहाँ पे, सो यहाँ की इवनिंग को मैं इन्जॉय कर रहा हूँ. दिस इज़ अनदर डे इन पेरिस. लोग वहाँ पर रिवर क्रूज़ कर रहे हैं पीछे. सो अभी लेट्स सी, गोना गो टुवर्ड्स नोटर डेम कैथेड्रल. ये भी वॉक करते करते मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्ट्रीट में पहुंचा हूँ. आई थिंक यहाँ पे काफ़ी ये स्मॉल स्मॉल शॉप्स हैं, कुछ गिफ्ट शॉप्स हैं और छोटे छोटे कैफेज़ हैं. एक तो गली इतनी पतली है और लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे सिंगल सिंगल टेबल्स भी लगा रखी हैं छोटी थोड़ी थोड़ी सिटिंग्स के लिए.
पतली पतली से जो एक तो नहीं रेस्टोरेंट वगैरह इतने सारे हैं, इनको देखते इतने देखने में भी इतने अच्छे हैं, मन करता है कि सब पे बैठो सब पे कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई करो, बट अभी तो भूख है भी नहीं। और दूसरा ऑब्वियसली यार सब पे तो ट्राई कर नहीं सकते, आई मीन दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव अस वेल। नोटर डेम कैथीड्रल जो कि यहाँ का बहुत फेमस चर्च है, और यहीं पे ही टेररिस्ट अटैक हुआ था और ये पूरा अंदर से जल गया था, पूरा आग वगैरह इसमें लग गई थी। तो जब से इन्होंने बंद कर रखा है टूरिस्ट के लिए, इसमें अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, और अभी इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो अंदर से पूरा सारा कुछ से वापस से उसको ठीक कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारा कुछ बंद कर रखा है। शाम के टाइम यहाँ पर थोड़ी ठंड हो जाती है, इसलिए मैंने जैकेट वगैरह पहन ली है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। वेदर वाइज पेरिस का वेदर काफ़ी अच्छा मेरे को लगा इस टाइम पे, लंदन से एज़ कम्पेयर टू लंदन यहाँ का वेदर मेरे को थोड़ा ठीक लगा, और क्योंकि आई मीन दिन के टाइम में तो थोड़ी बहुत मतलब मौसम ठीक रहता है, गर्मी सी रहती है, लेकिन सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में थोड़ी सी यहाँ पर ठंडी हो जाती है, हवा चलती है। बाकी यहाँ बैठ के तो कोई फ़ायदा है नहीं, आई मीन सब ऑलरेडी सब बंद पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से और यहाँ की स्ट्रीट्स में इवनिंग में वॉक करके, फिर आई एम गोना गो टू माय प्लेस और देन देखता हूँ कुछ डिनर के लिए, एंड कल फिर सुबह उठ के डिसाइड करेंगे कल कहाँ जा रहा है। एंड या सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे फिनिश करूँगा, एंड स्टे ट्यून, इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज डू इट, एंड या स्टे ट्यून एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग।